इसके साथ ही साथ राजस्थान के अजमेर में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बाइक और गाड़ी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शहर में रैली निकाली है। तो देखिए, राजस्थान में भी जगह जगह बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोटे में कोटे देने का ये फैसला है। राज्य सरकारों को इसके लिए हिदायत भी दी गई है, लेकिन इस फैसले का विरोध अलग अलग संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। अजमेर में जहाँ बाइक रैली निकाली गई है, वाहनों के द्वारा झंडे लगाकर अपनी बात को देश के सामने रखने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ पटना के हालात तो आप लगातार देख ही रहे हैं। यहाँ डाक बंगला चौराहे पर लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस एक तय सीमा तक आगे जाने की इजाजत दे रही थी, बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पटना के बाद बिहार के पूर्णिया की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया है और जगह जगह बांस लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि गाड़ियों की आवाजाही को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन में जगह जगह आगजनी करने का क्या मतलब है, जानबूझकर आम लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है। पूर्णिया की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर टायर जला दिए गए हैं ताकि सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित रहे। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि यहां से इन आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए और इस सड़क को खोल दिया जाए, लेकिन फिलहाल संघर्ष की स्थिति आप जरूर देख सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा असर इस पूरे फैसले का देखने को मिल रहा है, इस बंद का देखने को मिल रहा है। आपको पूर्णिया के बाद बिहार के ही जहानाबाद की भी तस्वीर दिखा देती हूं। यहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई है। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया था जिससे जाम लग गया, जबकि आज बिहार में पुलिस भर्ती की परीक्षा है। ऐसे में परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भर्ती एग्जाम को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ के पास प्रदर्शनकारी 2 घंटे से बीच रोड पर खड़े थे, जिस वजह से ट्रैफिक लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस से हाथापाई करने लगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पटना में तो लाठीचार्ज करना ही पड़ा, जहानाबाद में भी स्थिति कुछ ऐसी पैदा हुई। जब पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी तो लोग समझने की बजाय पुलिस को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला।